क्या हुआ, इतने चुप चुप क्यों हो? नहीं तो हूं। उदास हो? शायद तो यहां आ जाओ, पापा भी पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। साथ में डिनर करेंगे प्लीज। हाँ मैं आता हूँ। ओके बाय। कहाँ जा रहे हो? ये सवाल पूछने का हक आप खो चुकी हैं। जब आप बताने के लिए तैयार हो कि आपकी जिंदगी में दूसरा शख्स कौन है, आप मुझसे ये सवाल पूछ सकती हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने ईश्वर को यहाँ आने की इजाजत। लेकिन ये चा कैसी बात कर रहे हैं आप? बेटी है आपकी, चचा हक बनता है आपका इस पर कि जब तक चाय यहाँ रह सकती है। लेकिन रुखसाना भाभी तो कुछ और ही कह रही। अम्मी? हाँ बेटा, आज कॉल आई थी उनकी, कह रही थी कि ईश्वर अगर शाम तक घर ना आई तो मैं इसे तलाक दिलवा दूंगी। अम्मी ने ऐसा कहा? पहले तो मैं भी सुनकर हैरान हो गया। केशल को मैं के आने की इतनी बड़ी सजा रुखसाना भाभी कैसे दे सकती? बेटा इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलवाया ताकि तुम्हारे दिल की बात जान सकूं। नहीं चाचा, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। इशिल जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, मैंने खुद इजाजत दी है उसको यहाँ आने की। और जहां तक बात डिवोर्स की है, मैंने ईश्वर से शादी डिवोर्स देने के लिए नहीं की थी। मैं उससे पहले भी मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ, हमेशा करूंगा। आप फिक्र मत करें। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस कर दो, थक जाओगी। मुझे आपकी खिदमत करके अच्छा लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं करो। सायरा, अगर हमारी बेटी हुई ना, मैं उसे कोई काम नहीं करने दूंगा। वो बस पढ़ेगी। ससुराल वाले ताने देंगे, कहेंगे बस पढ़ाया है, घरदारी नहीं सिखाई। उसकी शादी ऐसी जगह पर करेंगे जहां उसे काम ना करना पड़े। और अगर बेटा हुआ तो उसे तो काम करने देंगे ना? मैं हूं ना काम करने के लिए। हमारी चाहे जो भी औलाद होगी, बेटा हो या बेटी, हम उसे खूब पढ़ाएंगे। वो सब पर हुक्म चलाएगा, उस पर कोई हुक्म नहीं चला सकेगा। क्या हुआ, तबीयत खराब हो रही है? सर इनसे कहो यहां से चली जाए, इनको देख के मेरी तबीयत मजीद खराब होती है। मैं सिर्फ तुम्हें पूछने आई हूं। सायरा इनसे कहो जाएं, कहीं ऐसा ना हो मैं कोई बदतमीजी कर बैठूं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इसका ख्याल रखना, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। नहीं चाहिए आपकी मदद तो क्या, आपकी हमदर्दी भी नहीं चाहिए हमें।